करोड़ों की गाड़ी तोहफे में मिल गई। शाहीन अफरीदी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तानियों को भी मुतासिर किए बगैर नहीं रह सके हैं। शाहीन अफरीदी का शुमार अब आलमी बॉलर्स में हो रहा है, जो कि अपनी गेंद से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं। खिलाड़ियों को अपनी बेहतरीन बॉलिंग पर कई तारीफ मिले हैं, कुछ ऐसे ही जिन्होंने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर के CEO राणा आतिफ की जानिब से तोहफा देने का ऐलान किया गया था। इस तोहफे में राणा आतिफ ने शाहीन अफरीदी को अपनी गाड़ी तोहफे में दे दी है। ये इंटरव्यू उन्होंने स्पोर्ट्स पार्क TV को दिया था। लाहौर कलंदर के राणा आतिफ कहते हैं कि जब कभी हमारे बच्चे कामयाब होते हैं तो हम उन्हें तोहफे देते हैं। इस तरह लाहौर कलंदर का हर खिलाड़ी मेरे बच्चों जैसा है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया तो तोहफे के हकदार है। राणा आतिफ बताते हैं कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि हम कोई इनाम देंगे, मगर जब फखर ने सेंचुरी की तो हमें एहसास हुआ कि हमें उनको सराहना चाहिए। इस हवाले से खिलाड़ी तफरी करते थे कि क्या आपकी एप्पल कंपनी में शेयर्स हैं जो आप तोहफे बांटते रहते हैं। शाहीन अफरीदी की सलाहियतों को देखते हुए राणा आतिफ ने अपनी पसंदीदा गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी। महंगी गाड़ी तोहफे में देने के हवाले से राणा आतिफ भी खुश हैं और शाहीन अफरीदी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। वाज़ेह रहे, राणा आतिफ की ये गाड़ी काफी महंगी और दिलकश भी है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।